चलिए आ गए हैं, स्टार्ट करें। सुलेखा, रूबी, साक्या जी, वेलकम है सभी का। और कैसे हैं आप लोग? अब तो कम ही दिन बचे हैं आपके एग्जाम के, तो लगभग सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो गई होगी। बाल विकास की मैं करा ही दूंगा, आज 11वीं क्लास है, 20 क्लास का मैंने टारगेट दिया था। आज मैं आपको काफ़ी चीज़ें कंप्लीट करवा दूंगा। आज शिक्षण के प्रतिमान पढ़ेंगे और शिक्षण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे लगभग आज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है? फिर आप लोग आज क्वेश्चन भी करेंगे, आज हमारा दोनों टारगेट होगा, ठीक है? आ जाइएगा, स्टार्ट करें। प्रियान जी वेलकम है, पूनम साहू जी स्वागत है, शेयर कर दीजिएगा। हाँ, आकांक्षा तिवारी जी आ गए हैं सभी लोग, स्टार्ट करें। गुड इवनिंग सभी को, एवरीवन गुड इवनिंग, वेलकम। आ जाइएगा, स्टार्ट करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग जुड़ जाइएगा, फिर चलेंगे अच्छे से। और आज हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, इसलिए आज क्लास जल्दी रख दी है ताकि क्वेश्चन भी कर सकें, क्योंकि हमारे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं और बिना क्वेश्चन के सिलेक्शन कैसे। क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए हम लोग टीचिंग मॉडल को पढ़ेंगे। आ जाइएगा, शेयर करते रहिएगा सभी को ताकि वो लोग और भी जुड़ सकें। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण के प्रतिमान। शिक्षण के प्रतिमान आज हम पढ़ेंगे, और पिछली बार यूपी टेट में शिक्षण के प्रतिमान से क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यूपी टेट में क्वेश्चन आता ही है। पिछली बार आया था, फ्लैंडर का मॉडल पूछा गया था पिछली बार। हाँ चलिए, निर्देश कुमार जी वेलकम है, आ जाइए। मनीष कुमार, विपिन शर्मा आ जाइएगा, मनीषा कुमारी जी वेलकम है। चलिए स्टार्ट करें, सभी लोग आ गए हैं ना, सभी लोग जुड़ चुके हैं, वेलकम है सभी का। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सभी का वेलकम है। आज कम लोग जुड़ेंगे क्योंकि उनको पता नहीं है। तृप्ति पाल जी, आकांक्षा तिवारी जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। उषा चौहान जी और जुड़ते रहेंगे धीरे धीरे। मलिकान खुशी जी वेलकम है, स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जुड़ गए हैं और धीरे धीरे और जुड़ते रहेंगे। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? आ जाइएगा, शेयर वाला बटन दबाइएगा और लाइक वाला बटन दबाइएगा, फिर चलते हैं आगे की तरफ। वैसे क्लास का टाइमिंग तो 9 बजे रहता है, पर आज हमने क्लास जल्दी रख दी है, ठीक है, 8 बजे, क्योंकि हमारा सिलेबस हमें टाइम से करना है। उत्तम सिंह जी स्वागत है, उत्तम जी आ जाइएगा, और उत्तम ही आपका रिजल्ट होगा इस बार। कमल जी भी आ जाइएगा, कमल मिश्रा जी वेलकम है सभी का। थोड़ा खांसी हमारी सही हो जाए बस एक बार। शालिनी भार्गव जी चलिए आ जाइए, फिक्स टाइम ही है, 9 बजे के आसपास हमारी क्लास होती है, और ऑलरेडी आप लोग ग्रुप से जुड़े हैं तो मैं सूचना आपको मिली जाती है। फिर भी आपको जो भी क्लास शुरू होती है उसकी पहले ही आपको सूचना दे दी जाती है, ठीक है? चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे। शिक्षण के प्रतिमान क्या होते हैं, हम ये समझते हैं कि शिक्षण के क्या प्रतिमान होते हैं। पिछली बार क्वेश्चन आया था, सुपर टेट यूपी टेट दोनों में ही पूछे जाते हैं शिक्षण के प्रतिमान, ठीक है? यूपी टेट एमपी टेट में भी पूछे जाते हैं शिक्षण के प्रतिमान क्या होते हैं। देखिएगा, शिक्षण के प्रतिमान हम इंग्लिश में कहेंगे एंड टीचिंग मॉडल। टीचिंग मॉडल, टीचिंग मॉडल क्या होते हैं? टीचिंग मॉडल को हम कह सकते हैं वो तरीके होते हैं जिसके द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाता है। यानी कि शिक्षण के प्रतिमानों से हम कहेंगे टीचिंग मॉडल का प्रयोग करने से हमारी जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो बहुत ही क्या हो जाती है, प्रभावी बन जाती है। यानी हम कहेंगे शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है।
अब हम पढ़ेंगे सारे प्रतिमानों को, हम पढ़ेंगे दीवान सिंह जाटव जी आ जाएगा, स्वागत है सभी का। जल्दी लोग जुड़ते चलेगा, और कहाँ चलेगा, कम लोग हो रहे हैं, कुछ लोग जल्दी बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, स्पीड पकड़ते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा यार। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए आगे बढ़े अगले पॉइंट पर। हम पढ़ेंगे अब शिक्षण के प्रतिमान, चलेगा। तो सबसे पहला प्रतिमान हम लेते हैं, फ्लैंडर्स साहब का प्रतिमान ले लेते हैं, जो पिछली बार पूछा गया था, और क्या क्वेश्चन आया था, और कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं FIACS के नाम से शॉर्ट में जाना जाता है, इसको हम समझते हैं। फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कम्युनिकेशन सिस्टम ये है फ्लैंडर का, जिसे अगर हम हिंदी में नाम दें तो हिंदी में हम कहेंगे फ्लैंडर का अंत क्रिया हिंदी में कहेंगे इसे फ्लैंडर का यानी फ्लैंडर्स का अंत क्रिया विश्लेषण, ठीक है, अंत्यक्रिया विश्लेषण प्रतिमान के नाम से जाना जाता है इसे, ये है, ठीक है। इस बार क्वेश्चन चूकना नहीं चाहिए, यहाँ से सारे क्वेश्चन बनने चाहिए यहाँ से। इधर देखते हैं कि फ्लैंडर का यानी फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कम्युनिकेशन सिस्टम जिसे कहा जाता है, हम बात करते हैं, ठीक है, फ्लैंडर का ये जो सिस्टम था, ये अंत्यक्रिया पर आधारित था, किस पर आधारित था, यानी फ्लैंडर का ये प्रतिमान फ्लैंडर्स का ये प्रतिमान अंत्यक्रिया पर आधारित था अंत्यक्रिया पर आधारित था फ्लैंडर का यह प्रतिमान। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। फ्लैंडर्स आपने इसमें 10 कथनों की बात की है, उन कथनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दिव्या सचान जी वेलकम है, दीप चंद्रा जी वेलकम है, सभी का आ जाएगा। तो फ्लैंडर्स आपने इसमें कितने कथन दिए हैं, ये पूछे जाते हैं। तो फ्लैंडर्स आपने इसमें 10 कथन बताए हैं, कितने कथन बताए हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लैंडर्स ने इसमें 10 कथन बताए हैं, और ये क्वेश्चन कई बार आता है। 10 कथन बताए हैं, ठीक है, 10 कथन बताए हैं। 10 कथनों के बारे में बात कर लेते हैं कि वो 10 कथन कौन कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है। अब सुनिएगा, 10 कथन के ऊपर एक पे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कैसे। फ्लैंडर ने कितने कथन दिए हैं, 10 कथन दिए हैं। 10 कथन में 7 कथन किसके, यानी किसके पास, यानी टोटल 10 राइट्स दिए हैं इसमें। 7 राइट्स टीचर के पास होते हैं, 2 राइट्स स्टूडेंट के पास होते हैं, 1 राइट्स जो होता है जो वो टीचर के पास होता है, वो कौन सा राइट होता है, वो अभी हम समझेंगे, ठीक है, अभी हम इस चीज को समझते हैं वो कौन सा होता है। तो हम बात करते हैं इस चीज को कि 7 होते हैं, हम कहेंगे शिक्षक वार्ता, यानी 7 जो राइट्स दिए गए हैं वो टीचर को दिए गए हैं, ठीक है। विद्यार्थी वार्ता, ठीक है, 2 राइट्स दिए गए हैं, और 1 जो राइट्स है उसको कहते हैं मौन या चुप्पी, ठीक है, मौन, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन सा नहीं है कौन सा है।
अब ये जो सेवन है इसको टू पार्ट्स में बांट दिया गया है उन्होंने, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। और विद्यार्थी के होते हैं कि एक होता है विद्यार्थी वार्ता, विद्यार्थी वार्ता, और दूसरा होता है विद्यार्थी पहल। विद्यार्थी कुछ पहल करेगा, सुनिएगा। इस फ्लैंड इस का यूज जब किया जाता है, मैं दोबारा समझाता हूं। फ्लैंडर्स आपने 10 कथन दिए हैं, चलिए फ्लैंडर्स आपने कितने कथन दिए हैं, फ्लैंडर्स आपने 10 कथन की बात की है। 10 में से 7 जो होते हैं वो शिक्षक के पास होते हैं, 2 विद्यार्थी के पास होते हैं, 1 होता है चुप्पी। चुप्पी का प्रयोग जब किया जाता है जब शिक्षक को ये लगे कि मेरी क्लास जो है वो अव्यवस्थित है, यानी मेरी क्लास में डिसिप्लिन नहीं है, तो वहां पर टीचर क्या करता है, इसको क्लास में ऐसे चुप बिल्कुल शांत खड़ा हो जाता है, साइलेंट मोड में हो जाता है, बिल्कुल एक जगह स्टैचू बन के खड़ा हो जाता है। इस हम कहेंगे इस राइट्स का प्रयोग जब किया जाता है, जब क्लास में ये लगे क्या कि क्लास हमारी अव्यवस्थित है, सही तरीके से नहीं चल रही है, तब कौन से कौशल का यूज किया जाता है, तब हम कहेंगे इस स्थिति का प्रयोग किया जाता है, मौन या चुप्पी का प्रयोग किया जाता है। यहां तक समझ में आए, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अब आता है हमारा प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष में भी 3 बातें आती हैं कि एक तो क्या करेगा टीचर, व्याख्या करेगा, क्या करेगा व्याख्या करते हुए चलेगा, व्याख्या, दूसरा निर्देशन, और तीसरा है हमारा विवेचनात्मक, नात्मक, ठीक है। अप्रत्यक्ष में 4 आता है, अप्रत्यक्ष में क्या आता है, 4 आता है, और 4 कौन कौन से हैं वो समझ लेते हैं कि 4 कौन कौन से आते हैं। देखिएगा, पहला आता है कि भावनाओं को स्वीकार करना, यानी पहला क्या है, भावनाओं को स्वीकार करना, भावनाओं को स्वीकार करना, भावनाओं को स्वीकार करना, और दूसरा आता है बच्चों को प्रोत्साहित करना, यानी प्रोत्साहन करना, और तीसरा आता है विचारों को स्वीकार करना। इसी के पॉइंट है ये 1, 2, 3, और ये तीसरा, ठीक है, इसी में आता है ये तीसरा, ठीक है। पहला ये है, दूसरा ये है, इसका नहीं है, याद रखिएगा इसका नहीं है ये, ठीक है। तीसरा आता है कि भावनाओं को, बच्चों के विचारों को स्वीकार करना, विचारों को एक्सेप्ट करना, बच्चे जो थॉट दे रहे हैं विचारों को स्वीकार करना आता है, ठीक है। ये हो गए 3, और हमारा चौथा होता है कि बच्चों से क्या करना, क्वेश्चन पूछना, यानी चौथा आता हमारा बच्चों से, यानी प्रश्न पूछना, पूछना। तो सुनिएगा, ये रहे 7 राइट्स, ठीक है, ये रहे क्या 7 हैं। आप देख सकते हैं कि 3 प्रत्यक्ष होते हैं, ये अगर ज्यादा डीप में जाएगा तो पूछेगा, वैसे तो नहीं पूछेगा ये, और ठीक है ये 4 ये होते हैं, टोटल 7 होते हैं। विद्यार्थी के पास 2 होते हैं, विद्यार्थी वार्ता और विद्यार्थी पहल करना, और मौन का कब प्रयोग किया जाता है, जब लगे क्लास अव्यवस्थित है, ठीक है, तब जाकर इस प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया गुड्डू पंडित भैया जी, सभी को समझ में आ गया कि नहीं आया, दिनेश जी, सभी विद्यार्थियों को एक बार कमेंट्स करके बताइएगा सभी को समझ में आ गया, आगे बढ़ें। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, लाइक वाला बटन दबाइएगा, आज कम रहेंगे विद्यार्थी, ठीक है, क्योंकि ये बिना इन्फॉर्मेशन के क्लास शुरू की गई है ना, इसलिए, क्योंकि हमें आप क्वेश्चन भी करने, इसलिए कम विद्यार्थी रहेंगे। चलिए कोई बात नहीं, तो ये समझ में आ गया आपको ये पॉइंट, बोलो जल्दी से, चलो बढ़े अगले पॉइंट पर, आगे की तरफ चलते हैं। तो एक हमारा कंप्लीट हो गया, आपको याद रहेगा ये, इधर देखिएगा फ्लैंडर का टीचिंग मॉडल याद रहेगा, इधर देखिएगा इस पॉइंट को, ये देखिएगा, ये रहा फ्लैंडर का। अगर आपसे शॉर्ट में, देखो पिछली बार शॉर्ट पूछा गया था, केवल ये नाम दिया गया था, FIACS किसका मॉडल है, और ऑप्शन में फ्लैंडर्स थे, ठीक है, तो फ्लैंडर्स आप थे ऑप्शन में, याद रहेगा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कम्युनिकेशन सिस्टम, याद रहेगा, गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है, गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसमें नहीं आएगा तो सुपर टेट जरूर टपक जाएगा, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पिछली बार नाम पूछा था, शायद इस बार कुछ और पूछ ले यहां से उठा के। आगे चलते हैं अगले टीचिंग मॉडल पर। आगे आपने पढ़ा अगला पॉइंट कि इसमें 7-10 कथन होते हैं, और 10 कथन हमने पढ़ लिए। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर, चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट है हमारा अगला शिक्षण का, हम पढ़ेंगे दूसरा प्रतिमान। ठीक है, प्रतिमान से दो क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर सुपर यूपीटेट में, दो क्वेश्चन शिक्षण का अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान, शिक्षण का अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान, ये भी लास्ट ईयर पूछा जा चुका है। ठीक है, ये भी लास्ट ईयर आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये किसका है? ये डेविड, हम कहेंगे डेविड आशुबेल का है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हम कहेंगे डेविड आशुबेल हैं, जिन्होंने डेविड आशुबेल इन्होंने ये टीचिंग मॉडल दिया, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिका के। ये वही हैं जिन्होंने क्या दिया था, जिन्होंने आधुनिक संज्ञानात्मक का मॉडल दिया था। क्या दिया था? आधुनिक संज्ञानात्मक का मॉडल इन्होंने दिया था। ये वही हैं, समझ में आ रहा है कौन से हैं? ये वही हैं जिन्होंने आधुनिक संज्ञानात्मक दिया था, जिन्होंने चार प्रकार बताए थे जो आपको पढ़ाया था मैंने आशुबेल। चलिए पढ़े। हिना जी, सुहाना जी, लेट हो गए ना आज सभी लोग, कोई बात नहीं, तो मैं थोड़ा समझा देता हूं। जिसको इंग्लिश में कहेंगे एडवांस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मॉडल कहेंगे, एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल कहा जाता है, मॉडल, ठीक है, यानी एडवांस ऑर्गेनाइजर, एडवांस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर कहा जाता है। चलिए एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान, यह पिछली बार यूपीटेट में आ चुका है, मैचिंग करने के लिए आया था, यूपीटेट में लास्ट ईयर आ चुका है। अब सुनिएगा, लास्ट ईयर 2019 में आया था ना, क्या कहना सर, गर्म पानी, हाँ गर्म पानी रखा हुआ है आज पंडित जी, पानी है लेकिन शायद ज्यादा गर्म है अभी। चलिए आकांक्षा तिवारी, वेरी गुड, तो समझे चीज को, कुछ नहीं है, समझ लीजिएगा शिक्षण प्रतिमान क्या है। अग्रिम मतलब एडवांस, पहले से ही पूरी एक शिक्षण की एक व्यू रचना पूरी तैयार करना, ठीक है, कि ऐसे ये करना है, इसमें ये होना है, इसी को अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान कहा जाता है। कि आपको टीचिंग करनी है उसकी अग्रिम मतलब होता है पहले से एडवांस में, ठीक है, संगठन पूरे आप चीजों को क्या करना, संगठित कर लेना, पूरी एक प्लानिंग तैयार कर लेना, वही क्या होता है, वही आपका अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान होता है, जो डेविड आशुबेल ने दिया गया था, आशुबेल ने दिया था, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने बात की थी, मतलब एक ब्रेन हम कहेंगे, जिन्होंने संज्ञानात्मक थ्योरी दी है, मॉडर्न संज्ञानात्मक थ्योरी दी है जिन्होंने। सोनी भार्गव जी, नमस्ते भैया, निकिता सिंह जी, क्लियर है सभी को? बढ़े अगले पॉइंट पर, कोई डाउट यहां तक? चलिए आगे बढ़े, अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, और अगला हमारे सामने अगला है कि शिक्षण का विकासात्मक प्रतिमान, तीसरा है हमारा शिक्षण का विकासात्मक प्रतिमान, शिक्षण का विकासात्मक प्रतिमान जीन प्याजे द्वारा दिया गया था, जीन प्याजे का है ये, ठीक है, डेवलपमेंट मॉडल जो है वो इनका है, डेवलपमेंट यानी कि शिक्षण का विकासात्मक प्रतिमान किसने दिया था, जीन प्याजे ने दिया था,
ठीक है, आप पढ़ चुके हैं जीन प्याजे के बारे में, उन्होंने पूरी कॉग्निटिव थ्योरी दी है, संज्ञानात्मक विकास का उन्होंने दिया है कि आपको विकासात्मक जो प्रतिमान में उन्होंने, ठीक है, जो पूरा एक मॉडल मैंने आपको पूरा समझा दिया है, तो नाम याद रखिएगा इस चीज को। आगे हम बात करते हैं अगला पॉइंट हमारा जो है, ठीक है, प्रत्यय निष्पत्ति हम कहेंगे। चौथा जो है वो हमारा है प्रत्यय या संप्रत्यय, प्रत्यय या संप्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान, ये जेरोम ब्रूनर द्वारा दिया गया था। जेरोम ब्रूनर द्वारा दिया गया था। अब मैं एक बार स्टूडेंट को बता दूं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इधर, यहां से देखिएगा, ठीक है, यहां से बात करते हैं या यहां से देखते हैं, देखिएगा 2019 में यूपी टेट में ये पूछा गया था, 2019 में यूपी टेट में पूछा गया था, यूपी टेट में, ठीक है, ये पूछा गया था। अगला पॉइंट है, ठीक है, 2019 में यूपी टेट में ये पूछा गया था, ठीक है, 2019 में यूपी टेट में पूछा गया था। अगला हम चलते हैं, ठीक है, 2019 में यूपी टेट में ये भी पूछा गया था, ठीक है, 2019 में यूपी टेट में पूछा गया था। नहीं हो तो पुराना पेपर उठा के देख लो। मैचिंग करने के लिए आ गए थे बहुत से स्टूडेंटों ने, गलत कर दिया था, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और आएगा, अभी ये समझ में आ गया, अगर हमसे पूछ रहा है कॉन्सेप्ट यानी परफॉर्मेंस, तो आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट को, किसको याद रखना है, यानी प्रत्यय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, निष्पत्ति का मतलब होता है परफॉर्मेंस, ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट परफॉर्मेंस मॉडल जो है वो जेरोम ब्रूनर द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? जेरोम ब्रूनर के द्वारा ये दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? जेरोम ब्रूनर के द्वारा। कोई डाउट किसी को? साक्य अतुल जी, हिना जी, आकांक्षा जी, गुड्डू जी, नो डाउट, बढ़े अगले पॉइंट पर। तो ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि कॉन्सेप्ट संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट होगा या संप्रत्यय होगा, निष्पत्ति प्रतिमान किसका है, ठीक है, इन दोनों का मतलब यही है, यानी मैंने प्रत्यय होगा चाहे संप्रत्यय होगा, ठीक है, बस याद रखिएगा किसका है, दिमाग के, बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाना, बच्चे के दिमाग में क्या करना, कॉन्सेप्ट बनाना। अगले प्रतिमान पर चलते हैं हम, चलिए नेक्स्ट है हमारे सामने, चलिए अगला है दिशा विहीन प्रतिमान। दिशा विहीन प्रतिमान क्या होता है ये समझ लेते हैं। इसको दिया था रोजर्स ने, दिया था कार्ल रोजर्स ने इसको दिया था। कार्ल रोजर्स की एक थ्योरी थी। कार्ल रोजर्स का कहना यह था कि हमसे बड़ा डॉक्टर इस दुनिया में कोई नहीं है, यानी कार्ल रोजर्स का कहना यह था कि कभी भी शिक्षक बच्चों को दिशा नहीं दे सकता है। दिशा विहीन प्रतिमान था कि शिक्षक बच्चों को दिशा नहीं दे सकता है, वो खुद ही दिशा निर्देश होते हैं, ठीक है। तो ये था क्या, दिशा विहीन, क्योंकि इनका कहना यह था कि हमसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है, जितना हम अपने बारे में जानते हैं उतना कोई दूसरा नहीं जानता हमारे बारे में। अगले प्रतिमान पर चलते हैं, और अगला हमारा सुकरात का प्रतिमान, नेक्स्ट हमारा सुकरात प्रतिमान। सुकरात का शिक्षण प्रतिमान, शिक्षण, सुकरात का शिक्षण प्रतिमान। सुकरात का शिक्षण प्रतिमान सुकरात ने दिया था। सुकरात का कहना यह था कि बच्चे के अंदर पहले से ही सारी शक्तियां मौजूद होती हैं। सुकरात का कहना यह था कि बच्चे के अंदर पहले से ही सारी शक्तियां मौजूद होती हैं, बस एक टीचर को अच्छे क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, यानी एक स्टूडेंट से एक टीचर को गुड क्वेश्चन करना आना चाहिए, पहले से ही बच्चे के अंदर सारी चीजें मौजूद होती हैं,
पहले से ही मौजूद होती हैं। तो ये था सुकरात का। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला हम पढ़ेंगे किसका, प्लेटो का। प्लेटो का था ठीक है, शिक्षण का सूज सिद्धांत, यानी शिक्षण का सूज प्रतिमान, शिक्षण का सूज प्रतिमान ये प्लेटो ने दिया था। प्लेटो साहब का कहना यह था कि सुकरात कह रहे हैं कि एक अच्छे क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, तो इनका कहना यह था कि केवल क्वेश्चन पूछने से काम नहीं चलेगा, यानी जब तक आप कोई चीज समझाओगे नहीं तब तक भी काम नहीं चलेगा, तब तक शिक्षण की प्रक्रिया अच्छी नहीं होगी। यानी इनका कहना था कि पहले से ही सारी शक्तियां मौजूद हैं, बस एक अच्छे क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। इनकी विधि आपने पढ़ी होगी ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि है किसकी, सुकरात की, प्रश्नोत्तर विधि आपने पढ़ी होगी, प्रश्नोत्तर विधि, उत्तर विधि के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये किसकी है, सुकरात साहब की है। इन्होंने कहा कि अच्छे क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, बस। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट हमारे सामने, चलिए ये समझ में आ गया, एक बार नोट कर लीजिएगा, पर आगे की तरफ चलते हैं अगले पॉइंट पर। चलिए बढ़े, कोई डाउट, चलिए वेरी गुड, डाउट रहना भी नहीं चाहिए, वैसे सारी चीजें क्लियर हो जाने चाहिए। हाँ मैं सारे कमेंट्स आपके लेते हुए चल रहा हूँ, कोई डाउट हो तो तुरंत बता देना, हम उस चीज को भी समझते हुए चलेंगे ठीक है। बढ़े अगले पॉइंट पर, चलिए अगला है हमारा उत्तम जी, नेक्स्ट है ठीक है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। अब बुनियादी से आप महात्मा गांधी जी मत टिक कर देना इसको, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से आप महात्मा गांधी जी मत लगा देना। इसको दिया था रॉबर्ट ग्लेसन ने, ये याद रखना, महात्मा गांधी जी मत लगा देना गलती से ठीक है। बुनियादी शिक्षण यानी बेसिक टीचिंग मॉडल ठीक है, बेसिक टीचिंग मॉडल, बेसिक टीचिंग मॉडल रॉबर्ट ग्लेसन ने दिया था, बेसिक टीचिंग मॉडल बुनियादी शिक्षण का प्रतिमान। नोट भी करते चल रहा है ना चीजें, ताकि याद रहे आपको ठीक है। अब इसको बेसिक क्यों कहा गया, क्योंकि ये सभी स्तरों पर लागू होता है, ये सभी स्तरों पर लागू होता है, सभी स्तरों पर, कोई भी स्तर हो ठीक है, सभी स्तरों पर क्या होता है, लागू होता है, इसलिए इसको बेसिक प्रतिमान कहा जाता है ठीक है। इसे मनोवैज्ञानिक प्रतिमानों में शामिल किया गया है, इसे मनोवैज्ञानिक प्रतिमान भी माना जाता है, मनोवैज्ञानिक, क्योंकि बच्चे को ही करवाया जाता है लर्निंग बाय डूइंग, मनोवैज्ञानिक प्रतिमान माना जाता है, मनोवैज्ञानिक प्रतिमान, प्रतिमान माना जाता है इसको। बेसिक है, जैसे महात्मा गांधी जी की आपने शिक्षा, बुनियादी शिक्षा पढ़ी होगी, सेम उसी हिसाब समझिएगा, ये बेसिक होता है, बच्चे के अकॉर्डिंग ही चला जाता है। हम कहेंगे शिक्षण का उद्देश्य क्या है ठीक है, पूर्व व्यवहार क्या है बच्चे का ठीक है, शिक्षण की प्रक्रिया, निष्पत्ति, मूल्यांकन, सारी चीजें इसमें कराई जाती हैं, एक्स वाई जेड सब कुछ ठीक है, एस के टी जी। चलिए समझ में आ गया शीतल जी, आगे चले अगले पॉइंट पर। तो बुनियादी याद रहेगा, रॉबर्ट ग्लेसर याद रहेंगे, महात्मा गांधी जी तो नहीं, रॉबर्ट ग्लेसर का याद रखिएगा ठीक है, ग्लेसर का, रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया था इसको। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला प्रतिमान है हमारा कंप्यूटर आधारित प्रतिमान की हम बात करते हैं। चलिए कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, बस अब तो दो एक और बचे, इसके बाद कंप्लीट है सारे, एक दो और हैं। इसको हम बात करें तो इसको दिया था लोरेंस स्टुलूरो ने,
लॉरेंस स्टोलूरो और एक व्यक्ति और आ जाते हैं कभी कभी इनका नाम, ठीक है, यानी डेनियल डेनिस करके भी स्टोलूरो, डेविड डेनियल, डेविड डेनियल करके, डेविड डेनियल, ठीक है। तो दो व्यक्ति हैं वैसे, स्टोलूरो का पूछा जाता है तो याद रखिएगा डेनिस या डेनियल, डेनिस करना डेनिस, सा बनाना डेनिस, डेनिस, ठीक है। स्टोलूरो, स्टोलूरो मात्रा लगाना स्टोलूरो, ठीक है। ये कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान था, कंप्यूटर आधारित शिक्षण मान इन्होंने दिया था इस प्रतिमान को। चलिए आगे बढ़े अगले पॉइंट पर, समझ में आ गया। यानी कि अब ये कंप्यूटर आधारित की अगर बात करें तो इसमें बच्चे को एक सॉफ्टवेयर माना जाता है। देखिएगा दो चीजें चलती हैं, एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, आपने एक पढ़ा हुआ, एक होता है कठोर शिल्प उपागम और एक होता है कोमल शिल्प उपागम, एक होता है कठोर और एक होता है क्या, कोमल, कठोर शिल्प, कठोर शिल्प और कोमल, कोमल शिल्प, ये दो वर्णों को याद रखिए कभी कभार जाते हैं। कठोर का मतलब है कि बच्चे को जो सिखाया जाता है, कठोर का मतलब होता है हार्डवेयर से और कोमल का मतलब होता है सॉफ्टवेयर से। कठोर का मतलब किससे, हार्डवेयर से है और कोमल का मतलब सॉफ्टवेयर से है। तो कठोर में बच्चे को मशीन मान लिया जाता है, जैसे मशीनें काम करती हैं, जैसे मशीनों में कुछ कर सकते हैं वैसे ही बच्चे को सिखाया जाता है। लेकिन कोमल जो होता है इसमें बच्चे को सॉफ्टवेयर माना जाता है और सॉफ्टवेयर जो होता है वो बच्चे के अकॉर्डिंग चलता है। कोमल कठोर होते हैं, कठोर मतलब हार्डवेयर, और हार्डवेयर में क्या होता है बच्चे को मशीन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, लेकिन कोमल में मशीन को बच्चे के अकॉर्डिंग चलना है, यानी सॉफ्टवेयर को किसके अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये दो उपागम होते हैं, ये समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे हम बात करते हैं विद्यालय आधारित शिक्षण प्रतिमान की। विद्यालय आधारित, विद्यालय आधारित शिक्षण प्रतिमान की विद्यालय आधारित शिक्षण प्रतिमान की बात करते हैं, ठीक है। और इसको दिया था जॉन कैरोल ने, जॉन कैरोल साहब ने इसको दिया था। इसमें समय की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, इसमें समय की कोई सीमा नहीं होती है बच्चे को सीखने के लिए, यानी बच्चे को सीखने के लिए, बच्चे को सीखने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है, कोई बाउंडेशन नहीं होती इसमें विद्यालय आधारित शिक्षण प्रक्रम। आज हम थोड़ा जल्दी कर देती नैन्सी शर्मा जी, ठीक है, क्योंकि आज कुछ क्वेश्चन भी आपको कराने हैं ना, इसलिए वैसे क्या वो फिर हम लेट हो जाते थे, ठीक है, 12 बजे फिर बाद में पहुंचते थे, इसलिए हमने सोचा पूजा शर्मा जी तो आ जाइएगी, सभी जितने भी विद्यार्थी हैं सभी लोग आ जाइए, कोई बात नहीं यार, ठीक है, बाद में देख लेना जो लोग बाद में आ रहे हैं क्या करें, हम लोगों को देखो एग्ज़ाम को भी तो देख के चलना है अब, ठीक है, एग्ज़ाम को भी देखना है, ठीक है। जैसे यूपी टेट खत्म होगा आप अपने मार्क्स जोड़कर सीधा सुपर टेट में लगना। मैं आपसे कह रहा हूँ बस आप बिलीव करिएगा, तुम बस यूपी टेट निकाल लो, यूपी टेट के बाद में जो लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं ना उनके बराबर आपको लाकर खड़ा कर दूंगा मैं, जो लोग 2 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं ना सुपर टेट की, ठीक है, तो 1 महीने के अंदर मैं आपको अपने सब्जेक्ट में उनकी बराबर, उनसे आगे आपको खड़ा कर दूंगा मैं आपको। भाई बाल विकास मैंने आपको बेसिक तो करवा ही दिया है, ठीक है, इसके बाद एक बार और आपको करवा दूंगा और आपको टीचिंग मॉडल करवा दूंगा शिक्षण, ठीक है, इसके बाद मैं आपको जीवन कौशल करवा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़े, बिल्कुल आज क्वेश्चन कराएंगे, आज हम बिल्कुल क्वेश्चन कराएंगे और आज ये क्लास को भी करेंगे आगे।
चलिए आगे बढ़े, ये समझ में आ गया। विद्यालय आधारित किसने दिया है? ठीक है, जॉन कैरोल साहब ने दिया है। इसमें क्या होता है, कोई समय सीमा नहीं होती है। समझ में आ गया, इसमें कोई समय सीमा नहीं होती है। कोई डाउट? बिल्कुल डाउट रहना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हम, चलिए नेक्स्ट। सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान, सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान, सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान इसको दिया था गार्डन ने। शिक्षण प्रतिमान क्रिएटिव बनाया जाता है बच्चे को, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। सामूहिक, अब ज्यादा अपने पास समझाने का समय नहीं है ना, इसलिए मैं आपको ज्यादा सीधे नाम लिखवा रहा हूं। ठीक है, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान, क्योंकि समझाने पर जाएंगे तो हम लोगों को बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, इसको किसने दिया था? सामूहिक इसको दिया था, हम कहेंगे कि जॉन डीवी ने दिया था। सामूहिक जॉन डीवी साहब का, ये याद रखना, जॉन डीवी का आ सकता है। जॉन डीवी साहब ने इसको दिया है सामूहिक शिक्षण प्रतिमान। ग्रुप में अन्वेषण करना, ग्रुप में बच्चों से खोज करवाना। जॉन डीवी साहब तो ठीक है समूह पर ज्यादा जोर देते हैं। समूह शब्द कहीं पर लिख जाए या समास शब्द कहीं पर आ जाए तो जॉन डीवी को आप लोग टिक करना, ये तो इसी पर जोर देते हैं। चले आगे बढ़े अगले पॉइंट पर। ठीक है, चलिए अगला हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे सामने। इनपुट एवं आउटपुट, इनपुट एवं आउटपुट जिसको कहते हैं अदा एवं प्रदा के नाम से जाना जाता है। इनपुट आउटपुट, ठीक है, इसको दिया था किसने? फॉक्स तथा लिपिक ने। फॉक्स एवं लिपिट, लिपिट इन लोगों ने इसको दिया था इनपुट। सुनिए, इनपुट आउटपुट इसका मतलब क्या होता है कि शिक्षण जो प्रयास कर रहा है ना सिखाने के लिए, वो इनपुट है। यानी सिखाने के लिए, सिखाने के लिए जो प्रयास कर रहा है वो क्या है? वो इनपुट है। बच्चे ने जो सीखा है वह आउटपुट है। तो अदा प्रदा के नाम से भी जाना जाता है, अदा और प्रदा के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट बोलिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, इंपोर्टेंट हम पढ़ने वाले हैं। एक और लिख लिया ना सभी ने? लिख लिया था ना, स्क्रीनशॉट ले लिया था ना सभी ने? नहीं, बाद में आपको सर बोलो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनपुट आउटपुट बॉक्स और लिपिट का है ये, सीखने के लिए, यानी सीखने के जो प्रयास किया वो। ठीक है, तो मैकला जी समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, इंपोर्टेंट है, इसको IMP लिख लेना। प्रच्छा हम कहेंगे, प्रच्छा शिक्षण प्रतिमान। प्रच्छा का मतलब होता है इंक्वायरी, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इंक्वायरी टीचिंग इंक्वायरी टीचिंग मॉडल शॉर्ट में बोले तो इसको IT M कहा जाता है। ठीक है,
यानी प्रच्छा का मतलब क्या होता है, इंक्वायरीज होता है, ठीक है। इसको हम कहेंगे रिचर्ड सचमैन ने इसको दिया था, रिचर्ड सचमैन ने इसको दिया था, रिचर्ड सचमैन ने इसको दिया था 1962 में। ये एक अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। ये था इंक्वायरी टीचिंग मॉडल, इसको दिया था। प्रियान जी, सुलेखा जी, समझ में आ गए यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ें अगले पॉइंट पर। बोलिए जल्दी से, चलिए, कोई डाउट? ठीक है, अब सारे वैसे कंप्लीट हो गए और नहीं रहे हैं, ठीक है। सारे मैंने आपको ऑलमोस्ट आपको करा दिए हैं, ठीक है। कितने प्रतिमान करा दिए आपको, एक बार कमेंट में बताइएगा। टोटल कितने हो गए इस नंबर सहित, प्रच्छा शिक्षण प्रतिमान सहित कितने हो गए? इंक्वायरी टीचिंग मॉडल रिचर्ड सचमैन द्वारा दिया गया है, ये कितने हो गए टोटल, बताइए जल्दी से, कमेंट्स करके बताइएगा एक बार। चलिए 14 हो गए, कापी है 14, बस इनमें से एक बार देख लेना। अब हम आगे पढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। चलिए एक आपको स्पीड से मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं एक बार क्लास और ले चुका था, फिर भी मैं आपको दोबारा से एक बार और चीज़ें और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मैं आपको क्या कर पढ़ाता हूँ, आपको शिक्षण, शिक्षण की अवस्था, शिक्षण के प्रतिमान, ये सारी चीज़ें एक साथ मैं आपको करा देता हूँ। अपने पास समय भी है अभी अपने पास, ठीक है, तो करें स्टार्ट। चलिए तो हम पढ़ते हैं शिक्षण के बारे में। चलिए शिक्षण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, शिक्षण के बारे में पढ़ते हैं। मैं एक कॉलम बना दूं, ठीक है, कॉलम बना देता हूं सभी के लिए। ऐसी टेबल बनाना वीआईपी, पैसे बना चुके हैं आप लोग, पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा से रिकॉल हो जाएगा आपको, ठीक है। तो शिक्षण के प्रकार, प्रकार, बिंदु, ठीक है, शिक्षण के प्रकार, बिंदु, चर, शिक्षण के प्रकार, बिंदु, चर और रूप, ठीक है, चरण और क्या आएंगे हमारे, प्रकार हो गए, चर हो गए, रूप हो गया, चरण हो गए, ठीक है, और यहाँ पढ़ेंगे हम अवस्थाएं, और यहाँ पर पढ़ेंगे हम स्तर, ठीक है। चल, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, सारे क्वेश्चन पूरे यहीं सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। दिखाई दे रहा है सभी को, सभी को दिखना चाहिए। चलिए करें स्टार्ट। चलिए चलिए, रेडी हैं आप लोग? रेडी है ना? चलिए बाद में आ रहे हैं उनका सभी का वेलकम है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां से शुरू करते हैं, यहां से, ठीक है, यहां से शुरू, टीचिंग से शुरू करते हैं, टीचिंग से शुरू करते हैं। चलिए निशा जी, रेडी हैं सभी? सभी लोग रेडी हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़े, अगले पॉइंट पर चलते हैं। राजकुमार जी, चलिए करें शिक्षण की, शिक्षण के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? शिक्षण के तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा कौन सा? शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। शिक्षण के तीन प्रकार होते हैं, जिसे ही सत्ताधारी कहते हैं, सत्ताधारी, जिसे सत्ताधारी कहा जाता है, सत्ताधारी पहला हुआ। दूसरा होता है हमारा कौन सा? बाल केंद्रित, बाल केंद्रित, जिसे प्रजातांत्रिक कहते हैं, प्रजा, प्रजातांत्रिक। तीसरा होता है हमारा कौन सा?
तीसरा होता है आहस्तचेपी, आहस्तचेपी। तीनों दिखाई दे रहे हैं कोने में, इधर देखिएगा, सुमित कुमार जी, राजकुमार जी, सपना जी, इस बार आपका सपना पूरा जरूर होगा। तीनों दिखाई दे रहे हैं ना, इधर देखिएगा, तीनों दिख रहे हैं। शिक्षक आपसे पूछेगा शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन। पहला शिक्षक केंद्रित, दूसरा बाल केंद्रित, तीसरा आहस्तचेपी। अब तीनों को समझते हैं बिल्कुल। इधर देखिए बोर्ड की तरफ, शिक्षक केंद्रित में कौन है, शिक्षण कैसे कराया जाता है? शिक्षक केंद्रित तानाशाही होता है। हिटलर देखा आपने, हिटलर अपनी चलाता था, जो करना वो करेगा। सेम उसी प्रकार से क्लासरूम का हिटलर कौन होता है? शिक्षक होता है, शिक्षक केंद्रित में, ठीक है, तानाशाही करता है, बच्चों पर अपना परसेप्शन थोपता है, अपनी बातों को मनवाता है, आप जो जिस तरीके से पढ़ाना चाहता है उस तरीके से पढ़ाता है, बच्चों को महत्व नहीं देता। क्वेश्चन पूछेगा यहां पर कौन एक्टिव होता है, तो केवल 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 शिक्षक, कौन? केवल शिक्षक कौन होता है, एक्टिव होता है। विद्यार्थियों को तो माना जाता है कि विद्यार्थी तो भैया निष्क्रिय होते हैं, और वो ज्ञान का क्या करते हैं, वो ज्ञान को ग्रहण करते हैं, और शिक्षक ज्ञान का दाता होता है। दाता मतलब यानी देने वाला कौन है? शिक्षक है। और विद्यार्थी क्या होते हैं? लेने वाले होते हैं, और निष्क्रिय रूप से क्या करते हैं, उस चीज को वो ग्रहण करते हैं। यानी ये होता है कौन सा? शिक्षक केंद्रित। इसी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुरुकुल सिस्टम में, वैदिक शिक्षा में यही चलता था पहले। बच्चों की रुचियों को महत्व नहीं दिया जाता था, बच्चों के विचारों को महत्व नहीं मिलता था, शिक्षक जो करता था वही होता था, ठीक है। इसमें बच्चा नॉन एक्टिव होता है। क्या होता है? एक्टिव कौन होता है? केवल इसमें एक्टिव शिक्षक होता है। अब आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चाइल्ड सेंट्रेड पे आते हैं हम लोग, ठीक है। पहला था टीचर सेंट्रेड, अब आते हैं हम चाइल्ड सेंटर पर आते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो कुछ भी होगा अकॉर्डिंग टू चाइल्ड के अकॉर्डिंग, यानी कि बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा बच्चे के अनुसार, बच्चा जिस तरीके से पढ़ना चाहता उस तरीके से पढ़ाया जाता है। किसमें? बाल केंद्रित में। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे अच्छा यही माना जाता है, क्योंकि इसमें दोनों ही एक्टिव होते हैं, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। किसमें? दोनों में ही इसमें क्या होते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। ये बात समझ में आ गई सभी को? और लास्ट आता है दोस्तों, इसलिए इसको डेमोक्रेटिव कहते हैं, यानी बाल केंद्रित को ही हम प्रजातांत्रिक कहते हैं। और फिर आता हमारा आहस्तचेपी। जानते हैं आहस्तचेपी भैया, पूरा वर्णन किस पर डाल दो, ठीक है, किस पर? विद्यार्थियों पर डाल दो। जैसे हमारी जो कंट्री जो है वो कौन सी कंट्री है? हमारी डेमोक्रेटिव कंट्री है। हम में क्या होता है? हमारे भारत देश में सभी के विचारों को महत्व मिलता है, यानी सबका साथ सबके विकास वाला काम होता है। पर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर पूरा वर्णन विद्यार्थी पर डाल दिया जाता है, यानी इसमें केवल विद्यार्थी, आहस्तचेपी में केवल विद्यार्थी ही सक्रिय होता है और कोई दूसरा सक्रिय नहीं होता है। पर यहाँ पर विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। एक बार कमेंट में कर बताइएगा कि ये तीनों आपको समझ में आ गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। बोलो ऐसे नो, तब तक हम पानी पी लेते हैं। जल्दी से कमेंट्स करिएगा सभी विद्यार्थी, एक बार कमेंट्स करके बताइएगा सभी को समझ में आ गए हैं। बोलिए जल्दी से। बिल्कुल सुमित, सुमित जी, मैकला जी, शिवम कुमार जी, अजय जी, हिना, मनीषा, निकिता सिंह, सौम्या जी, प्रशांत कुशवा जी, अजय जी, शालिनी भार्गव जी, निशा, सभी आ गए, सभी को चलिए बड़े अगले पॉइंट पर। चलिए इस पॉइंट को फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैकला जी। चलिए आगे बढ़े। शिक्षण के कितने बिंदु होते हैं? अरे शिक्षण के कितने बिंदु होते हैं जरा मैं यहां पर समझा दूं, ठीक है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, पहले इस चीज को समझिएगा कि रॉस एवं एडम ने शिक्षण की प्रक्रिया को दो ध्रुवीय माना है
यानी कि शिक्षक और किसके बीच में, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में, और शिक्षार्थी या विद्यार्थी के बीच में चलने वाली, विद्यार्थी के बीच में, यानी दो पिलर माने हैं। वो दो पिलर कौन कौन से हैं, यानी दो पिलर माने हैं यानी शिक्षक और विद्यार्थी, यानी दो ध्रुवीय किसने कहा है, यानी रॉस और एडम्स आपने कहा कि शिक्षण की प्रक्रिया दो ध्रुवीय होती है, दो लोगों के बीच में चलती है। इसके बाद में आता है कौन, इसके बाद में आए जॉन डीबी, ठीक है, और हम कहेंगे रायबर्न, रायबर्न, जॉन डीबी, जॉन डीबी, ठीक है, एडम्स, ठीक है, एडम्स और जॉन डीबी, बी एस ब्लूम, बी एस ब्लूम, इन्होंने इन्होंने शिक्षण की प्रक्रिया को, शिक्षण की प्रक्रिया को तीन ध्रुवीय माना है, तीन ध्रुवीय माना है, ध्रुवीय माना है, तीन ध्रुवीय माना है। अब देख लेते हैं वो तीन ध्रुवीय कौन कौन से हैं। पहला है शिक्षक, दूसरा है विद्यार्थी, शिक्षार्थी, और तीसरा है पाठ्यक्रम, ठीक है। लेकिन याद रखना जॉन डीवी साहब ने तीसरा कौन सा लिया है, यानी शिक्षक, विद्यार्थी और सामाजिक माना है, सामाजिक माना है जॉन डीवी साहब ने, जॉन डीवी ने तीसरा ये लिया है। इसमें आएंगे बी एस रायबर्न, रायबर्न, बी एस ब्लूम, ठीक है, और एडम, एडम्स, ये लोग इसमें आएंगे। शिक्षण की तीन ध्रुवीय प्रक्रिया और दो ध्रुवीय प्रक्रिया, ये समझ में आ गया सभी को, ये कॉन्सेप्ट बताएंगे जल्दी से, कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गए। आगे बढ़े अगले पॉइंट पर, नो डाउट। अगर आपसे शिक्षण की दो ध्रुवीय पूछेगा तो बता दोगे दो ध्रुवीय, यानी दो ध्रुवीय पूछेगा तो, दो ध्रुवीय पूछेगा तो बता देंगे आप, दो ध्रुवीय, दो ध्रुवीय में केवल दो ध्रुव रखना, टीचर और स्टूडेंट्स, ये दो ध्रुवीय है, ये तीन ध्रुवीय, तीन जिसको थ्री पिलर थ्योरी कह सकते हैं कि तीन लोगों के बीच में चलती है। चलिए समझ में आ गए वैष्णवी वर्मा जी, कोई डाउट, नो डाउट, बढ़े। चलिए अपने उसी पॉइंट पर चलते हैं, चलिए उसी पॉइंट पर चलते हैं। चलिए तो शिक्षण के तीन बिंदु होते हैं, कितने बिंदु होते हैं, तीन बिंदु होते हैं। कौन कौन से होते हैं कि पहला शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। ये बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है। चलिए एक बीओ स्मिथ नाम के व्यक्ति हैं, बीओ स्मिथ, बीओ स्मिथ ने शिक्षण के तीन चर बताए हैं, शिक्षण के तीन चर बताए हैं, चर बताए हैं। पहला होता है स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर, दूसरा होता है आश्रित चर, और तीसरा होता है मध्यस्थ चर, मध्यस्थ चर। स्वतंत्र चर जो होता है वो कौन होता है, शिक्षक होता है, और आश्रित चर होता है वो विद्यार्थी होता है,
और ये पाठ्यक्रम होता है, ठीक है। तो बीओ इसमें साहब ने बताए थे तीन चार, स्वतंत्र, आश्रित और मध्यस्थ। एग्जामिनर पूछे स्वतंत्र कौन है तो शिक्षा के, आश्रित कौन है विद्यार्थी, मध्यस्थ कौन है पाठ्यक्रम। हम वहीं चलते हैं अपने यहाँ पर, लिख लीजिएगा, समझ में आ गया सभी को, ए बी सी डी बोलो जल्दी से, एस या नो। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। चलिए तो चार कितने बताए हैं बीओ स्मित ने, तीन बताए हैं, कौन कौन से, यानी आश्रित, स्वतंत्र, स्वतंत्र आश्रित और मध्यस्थ। चलिए डाउट समझ में आ गया, कोई डाउट यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बताइए जल्दी से, ए बी सी डी जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए चलिए, कोई डाउट, कुछ क्या कर रहा है, त्रैमुखी जॉन्डी भी बिल्कुल। आगे बढ़े, और रूप होते हैं तीन, इधर देखिएगा, फॉर्मल, अनौपचारिक, इनफॉर्मल, अनौपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक और गैर औपचारिक। इधर देखिएगा, इनफॉर्मल और फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। चलिए शिक्षण के रूप कितने हैं, एक होता है अनौपचारिक, औपचारिक और गैर औपचारिक। सुनिएगा ध्यान से, बिल्कुल सटीक तरीके से, अनौपचारिक शिक्षण घर से ही शुरू होता है, जब से बच्चा जन्म लेता है, और माँ ही बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है, और वही उसको सिखाती है, और वही उसको अनौपचारिक शिक्षण देती है। कौन से देती है, अनौपचारिक शिक्षण। और ये एक ऐसा शिक्षण होता है जो जन्म के साथ शुरू होता है, और जब तक लाइफ रहती है, जब तक जीवन रहता है, तब तक ये चलता है, कौन सा, अनौपचारिक चलता है। यहां तक समझ में आया, अनौपचारिक समझ में आया, यानी ये प्री प्लांड नहीं होता है, पहले से नियोजित नहीं होता है, ये क्या होता है, लाइफ टाइम चलता है, और कहीं भी गली मोहल्ले में सड़क में कहीं भी कुछ भी सीख रहे हैं, अनौपचारिक। पर औपचारिक दोस्तों पहले से ही प्री प्लांड होता है, पहले से ही पूर्व नियोजित होता है, जैसे स्कूल कॉलेज विद्यालय, स्कूल कॉलेज हम कहेंगे संस्थान, ये क्या होता है, पहले से ही क्या होता है, प्री प्लांड होता है, पहले से ही प्री प्लांड होता है, यानी पहले से ही नियोजित है कि यहां पर होगी, और एक निश्चित समय तक होता है। ये बताइएगा क्या आप जीवन भर तक मेरी वीडियो को देखोगे क्या, नहीं ना, ये कौन सा शिक्षण है आपका, ठीक है, ये औपचारिक है आपका, यानी एक टाइम तक ही क्या होता है ये, आप डेली जीवन भर तक आप मुझसे तो नहीं पढ़ोगे ना, तो एक समय तक चलता है ना ये हमारा, ये किसमें आएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आगे हम चलते हैं अगले पॉइंट पर, गैर औपचारिक में क्या होता है कि कुछ चीजें तो इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, ये पहले से ही यानी पूर्ण नियोजित नहीं होता, ये पूर्ण नियोजित होता है। सुनिएगा, स्कूल कॉलेज, स्कूल कॉलेज और स्कूल कॉलेज और संस्थान, इनमें जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो कौन सी होती है, औपचारिक होती है। जैसे ये होता हमारा कौन सा, गैर औपचारिक, यानी कुछ चीजें पहले से नियोजित होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, वो किसमें आता, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन NIUS से हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो किसमें आएगा, वो हमारा गैर औपचारिक में आएगा, किसमें आएगा, वो हमारा गैर औपचारिक में आएगा। एक बार तीनों में मुझे बताइएगा कहां से आपको प्रॉब्लम आ रही है, गैर औपचारिक में, ठीक है, जैसे आपने कोई स्टडी ऑनलाइन प्लान ले रखा है इग्नू से, ठीक है, तो मतलब कुछ चीजें पहले से डिसाइड हैं और कुछ अपने तरीके से हैं, तो ये क्या होता है, हमारा गैर औपचारिक होता है। एक बार कमेंट्स करके बताइएगा सभी लोग कि ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर, फिर हम चरण की तरफ चलेंगे। एक बार कमेंट करिएगा सभी विद्यार्थी, बोलो जल्दी से, ऐसे नो। आगे बढ़े अगले पॉइंट पर,
चले। चलिए आगे समझते हैं। अब चलते हैं हम चरण पर। तीन चरण होते हैं। पहला होता है कि निदान करना, निदान उपचार करना और मूल्यांकन करना। मूल्यांकन, चलिए तीन होते हैं। निदान का मतलब होता है कमियों को फाउंड करना, कमियों का पता लगाना। क्या होता है यानी निदान का काम क्या है, कमियों का पता लगाना, और उपचार का काम क्या है कि उन कमियों का क्या करना, उपचार करना, और मूल्यांकन का मतलब होता है कि हम हमारी जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो कितनी प्रभावी रही, बच्चे के अंदर कितने हम कहेंगे कि परिवर्तन हुआ है, बच्चे कितने मूल्यों को प्राप्त कर पाए हैं, ये सब किसमें आता है, ये आता है मूल्यांकन में। किसमें आता है, मूल्यांकन में। तो तीन होती हैं। अब हम चलते हैं अवस्थाओं की तरफ। किसकी तरफ, अवस्थाओं की तरफ। तो तीन अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, तीन अवस्थाएं। इधर देखते हैं, पहली होती है शिक्षण पूर्व अवस्था, यानी शिक्षण की पूर्व अवस्था, शिक्षण की पूर्व अवस्था। और यह होती है, पहली होती है शिक्षण पूर्व अवस्था और दूसरी होती है शिक्षण पश्चात, शिक्षण अंत, शिक्षण अंत्यक्रिया, अंत्यक्रिया अवस्था, शिक्षण अंत्यक्रिया अवस्था। और तीसरी होती है पश्चात अवस्था। तीसरी कौन सी होती है, पश्चात अवस्था। पश्चात अवस्था, तीन अवस्था होती हैं। कितनी होती है, तीन। पहली होती है शिक्षण, दूसरी अंत्यक्रिया, तीसरी होती है पश्चात। चलिए आगे समझेंगे इस पॉइंट को। यहां देखिएगा श्याम जी, इधर पहली शिक्षण अवस्था तीन है। कितनी अवस्था, तीन। पहला क्या है, शिक्षण की अवस्था, यानी कि शिक्षण पूर्व, शिक्षण पूर्व मतलब पढ़ाने से पहले की अवस्था। पढ़ाने से पहले की अवस्था को क्या कहते हैं, शिक्षण पूर्व अवस्था कहते हैं। और जब पढ़ाएंगे तब क्या होगा, तब अंत्यक्रिया होगी, वार्तालाप होगा बच्चों से, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर लास्ट में मूल्यांकन किया जाएगा। कौन सी में, पश्चात अवस्था में। तो यहां तक समझ में आ गया आपको, ठीक है, कि शिक्षण की पूर्व अवस्था क्या होती है, अंत्यक्रिया क्या होती है, पश्चात क्या होती है। कोई डाउट यहां पर बताइएगा, यस या नो, एक बार कमेंट करके बताइएगा। अच्छा ये बताइएगा, इसमें क्या होगा, शिक्षण पूर्व अवस्था में क्या कराया जाएगा, हमें कैसे टीचिंग कराना है, लेसन प्लान सब किसमें किया जाएगा, सब इसमें किया जाएगा। किसमें किया जाएगा, सब इसके अंदर किया जाएगा। किसके अंदर, यानी लेसन प्लान बनाना, कौन सी विधियों से पढ़ाना है, क्या करना है, वो सब किसमें होगा, पूर्व में होगा। यहां पर पढ़ाया जाता है, सेकंड में क्या होता है, पढ़ाया जाता है। और तीसरे होती है पश्चात अवस्था। तीसरी कौन सी होती है, पश्चात अवस्था। आगे बढ़े अगले पॉइंट पर, एस या नो कमेंट करके बताइएगा। यहां तक क्लियर हुआ, अंजलि जी, हिना जी, बिल्कुल। लेसन प्लान कहां होगा, लेसन प्लान यहां होगा, पढ़ाया यहां जाएगा, मूल्यांकन यहां किया जाएगा। अब निदान और उपचार कहां होगा ये बताइएगा, निदान और उपचार कहां किए जाएंगे, निदान और उपचार कहां होंगे, तो निदान और उपचार अंत्यक्रिया में होंगे। याद रखना, निदान और उपचार कहां पर किए जाएंगे, अंत्यक्रिया में किए जाएंगे। कोई डाउट, बढ़े। कोई डाउट नहीं है ना, चलिए। ये क्वेश्चन आ चुका है 2018 में, यहां से क्वेश्चन, कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो सुनिएगा, तीन प्रकार होते हैं, तीन बिंदु होते हैं, तीन चर होते हैं, तीन रूप होते हैं, तीन चरण होते हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं, तीन स्तर होते हैं। इसलिए मैंने एक साथ लिखवाया आपको, ताकि दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आता है स्तर। तीन स्तर होते हैं, कितने स्तर होते हैं, तीन। कितने स्तर होते हैं, तीन स्तर होते हैं। थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको, चलिए इधर देखिएगा। शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तर,
तीन स्तर होते हैं। सबसे पहला है स्मृति स्तर, स्मृति स्तर मेमोरी लेवल। इसको दिया था किसने? मेमोरी लेवल को दिया था हर्बर्ट ने, हर्बर्ट साहब ने इसने दिया था। कहा था कि सबसे घटिया स्तर यही है, निम्न स्तर है ये, रटकर इसमें इसमें रटकर अधिगम कराया जाता है। क्या होता है? रटकर अधिगम कराया जाता है। कैसा होता है इसमें? इसमें बच्चे को रटकर अधिगम कराया जाता है। इसमें इसमें हर्बर्ट ने पांच स्तर दिए हैं, यानी स्मृति स्तर के पांच चरण बताए हैं, पांच चरण बताए हैं जिन्हें पंचपदीय कहा जाता है, जिन्हें हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना कहा जाता है, पंचपदीय पाठ योजना कहा जाता है, योजना कहा जाता है। ठीक है, इन्हें हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना के नाम से जाना जाता है। यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? पहले एक बार कमेंट करके बताइएगा सभी विद्यार्थी, डाउट रहना भी नहीं चाहिए वैसे आपको। ठीक है, बोलिए जल्दी से, मैं देख रहा हूं आप सभी के कमेंट्स ले रहा हूं, सभी विद्यार्थियों के डाउट नहीं जाना चाहिए। बढ़े अगले पॉइंट पर, चलिए फंसेंगे तो तब जब आएंगे तब आपको क्वेश्चन करना ही नहीं आएगा तो फंसेंगे कहां से? ठीक है, जब आपको आएगी नहीं थ्योरी तो करोगे कहां से वहां से? चलिए इधर देखिएगा, पांच कौन कौन से हैं वो देख लीजिएगा, इधर देखिएगा। पांच पंचपदीय पाठ योजना कहा जाता है। सबसे पहला है प्रस्तावना, प्रस्तावना। दूसरा है प्रस्तुतीकरण। तीसरा है तुलना, एसोसिएट करना। चौथा है सामान्यीकरण करण। और पांचवा है, पांचवा क्या है? पांचवा हमारा अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। ये पहला है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएट, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। ठीक है, तो पांच है, समझ में आ गए। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला अगला पढ़ेंगे किसका? अबोधन स्तर, अबोधन स्तर। अबोधन स्तर दिया था मॉरिसन ने, मॉरिसन ने अबोधन स्तर दिया था। इसमें उन्होंने बताया था कोई भी चीज समझाकर कराई जाती है, समझाकर। ठीक है, इसे इकाई पाठ योजना कहते हैं, इकाई पाठ योजना के नाम से जाना जाता है, यानी मॉरिसन की इकाई पाठ योजना, जिसमें उन्होंने पांच बताए थे। पहला था हमारा खोज, जिसे अन्वेषण कहते हैं, अन्वेषण। दूसरा बताया था प्रस्तुतीकरण, दूसरा बताया था प्रस्तुतीकरण, ये पूछे गए थे लास्ट ईयर इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। और तीसरा था आत्मसात, आत्मसातकरण। और चौथा था संगठन। और पांचवा था हमारा अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति।
ठीक है, ये पांच चल। यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट बोलो जल्दी से। ऐसा नो, ठीक है। अब सुनो, लास्ट ईयर का यूपी डेट का क्वेश्चन फिर रटना हो जाएगा ना। लास्ट ईयर यूपी डेट में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन ये था, दोबारा देखिएगा, क्वेश्चन ये था कि हर्बर्ट का और मॉरिसन का दोनों का कॉमन कौन सा है। ये किसके हैं? ये हैं हर्बर्ट के, ये हार्वर्ड के हैं। तो पूछा गया था कि हार्वर्ड का और मॉरिसन का दोनों का उभयनिष्ठ कौन सा है। तो भैया ये रहा इनका दूसरा चरण और ये रहा इसका दूसरा चरण, ठीक है। ये रहा इसका दूसरा चरण, रहा कि नहीं रहा, ये रहा इसका दूसरा चरण। तो ये आंसर था पिछले लास्ट ईयर का। आंसर क्या था? लास्ट ईयर का आंसर ये था। कोई डाउट बताइए जल्दी से। अब लास्ट और है इसके बाद, अब आपका कंप्लीट ही है। बढ़िया, अगले पॉइंट पर बोलो जल्दी से। अगले पॉइंट पर चलें? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, और अगला है हमारे सामने, ठीक है, कि अबोधन स्तर, चिंतन मनन स्तर, चिंतन मनन स्तर। चिंतन मनन स्तर किसने दिया था? हंट ने दिया था। किसने दिया था? हंट ने दिया था। इसमें इसमें बच्चे के अंदर विवेक, ये समझाकर, और इसमें बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग विकसित की जाती है, आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक। ये सबसे उच्च स्तर का है, उच्च स्तर का है। हमारा एनसीएफबीसी की सिफारिश करता है, एनसीएफ 2005 बीसी की बात करता है। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है बच्चे तर्क भी दे, वितर्क भी दे, यानी कोई मुद्दा हो जिसके बच्चे के एडवांटेज भी बताए, डिसएडवांटेज भी बताए। ये थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप करनी है। यहां तक समझ में आया? ठीक है प्रिंसी जी, समझ में आया? दीक्षा जी क्लियर है? अलीसा जी जो भी है समझ में आ गया ना? ऋषु अच्छा, दो क्वेश्चन आए थे, वेरी गुड, बिल्कुल ऋषु का कहना है दो क्वेश्चन, बिल्कुल मैं भूल गया। चलिएगा, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन भी आया था, देखिएगा, मैं बार बार कहता हूं गलतियां मत करिएगा। पिछली बार इनको इनको अरेंज करना था, सिस्टमेटिक तरीके से लगाना था। तो सुनिएगा, दो क्वेश्चन आए थे पिछली बार यूपी टेट में, दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था, इसको अरेंज करना था, सिस्टम से क्रम से लगाना था इसको, ठीक है। तो याद रहेगा, खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मसात, संगठन और अभिव्यक्ति रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है, जिसको हम वर्णन भी कह सकते हैं, कि बच्चे से वर्णन करवाया जाता था, वर्णन। यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट? आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। चलिए अगला पॉइंट हमारा ये, तो इन्होंने चार चरण बताए हैं, चार चरण है। तो इस बार यहां से पूछे जाने की संभावना है, इस बार इसको मोस्ट मानिएगा, इसको इस बार आप इंपोर्टेंट मानिएगा। चार चरण कौन सा है? सबसे पहला है समस्या की पहचान करना, यानी प्रॉब्लम को फाउंड करना, समस्या की पहचान सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि हाई लेवल थिंकिंग होती है ना। तो पहला है प्रॉब्लम फाउंड करना, दूसरा है हमारे सामने यानी कि संप्रत्यय का निर्माण करना। संप्रत्यय का मतलब इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, यानी दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाना। क्या बनाना? संप्रत्यय का निर्माण करना, संप्रत्यय का निर्माण करना। और तीसरा आता है हमारे सामने क्या? तीसरा आता है कि सूचना एकत्रित करना, आंकड़े, आंकड़े एकत्रित करना, एकत्रित करना। और पांच चौथा आता है हमारे सामने कि संप्रत्यय की जांच करना, संप्रत्यय का परीक्षण करना, जांच करना। चार चरण है आपके सामने, दोबारा सुन लीजिएगा। प्रियंका जी, श्याम रावत जी, इधर से उमा जी, हंट ने दिया था इसको, ठीक है। पहला है प्रॉब्लम की पहचान, दूसरा है
ठीक है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, तीसरा है डाटा कलेक्ट, और चौथा है क्या, लास्ट है मूल्यांकन करना। ट्रिक तो आप बना सकते हैं इस चीज को, ठीक है, कि ये हो गया आपका यानी प्रॉब्लम को फाउंड करना, यानी प्रॉब्लम की पहचान करना, और ये हो गया कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करना, और ये हो गया डाटा, ठीक है, ये डाटा कलेक्ट करना, और ये क्या हो गया परीक्षण करना। सीपी आपको ट्रिक तो बन नहीं रही, जो आपको लगे बना लीजिएगा, आसान तरीके से याद रखिएगा। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट किए, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पर आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, याद तो करना पड़ेगा, ठीक है, इस बार पूछे जाने की संभावना है, ठीक है, दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, MPTET, CTET, UPTET सभी के लिए। भैया CTET में नहीं आते हैं, बट ठीक है, बाकी सब में आते हैं। बड़े अगले पॉइंट पर, यहाँ तक कोई डाउट कमेंट करके बताइएगा, फिर आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, चलिए आगे बढ़े अगले पॉइंट पर। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया लास्ट क्लास में, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना सभी को, एक बार कमेंट करके बताइएगा सभी लोग, जितने भी जुड़े हैं सभी लोग, कि सर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो फिर हम आगे की तरफ चलते हैं अगले पॉइंट पर। चलिए अब आपका एग्जाम में अब इसका मेन पॉइंट रह क्या रहा है वो चीज़ हम देख लेते हैं। चलिए हाँ सुमित जी, चलिए अब क्या क्या रह रहा है मुझे ये बताइएगा, जिसमें आपको लगता है कि सर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको कराइएगा। सिका गुप्ता जी, आकांक्षा श्याम से, इस बार गलती मत करना बस कोई भी, इस बार बस मार देना, चौका ही मार के आना, ठीक है, खाली मत लौटना एग्ज़ाम से, बस कुछ ना कुछ कर कर ही आना है आपको, आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए इस बार बस। कोई डाउट, अब हम समय है 10 बजे से क्वेश्चन की तैयारी करें, बिल्कुल पर्सनालिटी नहीं हुआ, और एक तो पर्सनालिटी नहीं कराया, दूसरा क्या नहीं कराया बताओ जल्दी से, टॉपिक के नाम बता दो, बिल्कुल सब पढ़ा दूंगा मैं। हाँ मास्लो का तो, वो तो मोटिवेशन ही करवाना पड़ेगा, पूरा टॉपिक मास्लो क्या, पूरा मोटिवेशन ही पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, पूरा मोटिवेशन ही पढ़ाना पड़ेगा आपको, हैं। हाँ समावेशी शिक्षा ये रह रही है दो, एक तो समावेशी शिक्षा रह रही है और इंटेलिजेंस, एक बार इंटेलिजेंस और पढ़ाना पड़ेगा आपको, तीन ये। चलिए चलिए भाषा अर्जन सुनी दीजिए इस वाला, हाँ भाषा के ऊपर भी वो है, छोटा सा टॉपिक है। चलिए चलिए भाषा को भी कंप्लीट कर लेते हैं 5 मिनट में, या फिर अभी हम रहने देते हैं, नहीं उससे शुरुआत करते हैं, अभी हम क्वेश्चन की तैयारी कर लें, ठीक है, क्वेश्चन जरूरी है, तो क्लास को इंस्टॉप करते हैं। और अब मूल्यांकन बुद्धि, ठीक है, मूल्यांकन नहीं कराया, बुद्धि नहीं कराया, नहीं नहीं भैया प्रैक्टिस का समय कहाँ, सिलेबस हो जाए पहले। चलिए दिव्या जी, चलिए कोई डाउट, चलिए तो मिलते हैं अभी 10 बजे, क्वेश्चन लेकर आता हूँ आपके लिए, ठीक है, फिर मिलते हैं हम 10 बजे, ठीक है, चलिए।